मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि शेखर साहब के कत्ल से रिलेटेड हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लूज मिले, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दिन के लिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। देखिए, जब तक शेखर साहब का कातिल पकड़ा नहीं जाता है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों का कोई प्लान है या फिर कोई आपका फंक्शन है, तो वो आपको पोस्टपोन भी करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको किसी पर शक है? जी नहीं, अभी तक पूरी श्योरिटी से किसी का नाम लेना या किसी को गिरफ्तार करना तो पॉसिबल नहीं है। बट यस, बहुत जल्द सारी कड़ियाँ हमें उस कातिल तक पहुँचा ही देंगे। पर इंस्पेक्टर साहब, परसों इस घर में शादी है। सॉरी मैम, सॉरी, मैंने अभी आपसे ये कहा कि आपके घर में अगर कोई भी ओकेजन है या कोई फंक्शन है तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सचमुच ये चाहते हैं कि शेखर साहब का कातिल पकड़ा जाए और उसे सजा मिले, तो आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, शादी जैसी चीज को पोस्टपोन करना, मेरा मतलब है सारी तैयारियां हो गई हैं, मेहमानों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, ये कैसे मुमकिन होगा? वेल मैम, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। अगर शेखर साहब के कातिल को पकड़ना है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, हम कोऑपरेट करेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्यों अक्षर, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि शेखर का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उसे सजा मिले और शेखर को इंसाफ। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अभी चलता हूँ। दरअसल कल मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करने आई थी। इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था मेरे पास कि शेखर के खून से रिलेटेड कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन बात बीच में ही रह गई। शेखर का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। सोचती रही कौन हो सकता है उनका कातिल। दीदी, क्या इंस्पेक्टर ने आपको सबूत के बारे में बताया? ये तो मैं नहीं जानती, बस उतना ही जानती हूँ जितना आज इंस्पेक्टर साहब ने हम सबके सामने कहा है। बस मुझे तो इसी बात की तसल्ली है कि वो कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, मैं उसे फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहती हूँ। बस तुम दोनों इसी तरह मेरा साथ देते रहना। तुम लोग हो ना, तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। कहा था ना, कहा था ना मैंने, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पर तुम तो मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हो। बस हर चीज में अपना ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार शादी हो जाएगी फिर देख लेंगे। अक्षर, अपने सपनों से बाहर आओ। जो देखना है, जो करना है, अभी करना है। क्या करें? हाँ, मार दे अपरा को और जो कुछ भी सोचा है उससे हाथ धो बैठे। कुछ नहीं होगा हमें। पुलिस को हमारे खिलाफ कभी कोई सबूत मिल ही नहीं सकता। अरे फिर वही अक्षर, यहाँ हमारी सारी प्लानिंग होल्ड पर आ गई है और तुम अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हो। तुम्हें क्या लगता है वो इंस्पेक्टर यहाँ टाइम पास करने आया था? वो बेकार में ये सब बोलकर गया। अक्षर, उसे सबूत मिले हैं। और जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, ये वो इंस्पेक्टर बोल कर गया है। तुम्हें कब होश आएगा? हमारे पकड़े जाने के बाद? शट अप जस्ट शट अप। मैंने कहा ना हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे बेकार में डरकर बातों को और मत बिगाड़ो। अक्षर को कभी कोई नहीं हरा सकता, और अगर उस अपरा को मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल भी गया ना, तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेखर, आपके मुजरिम बहुत जल्द अपने किए की सजा पाएंगे। हमें इंसाफ मिलकर रहेगा। आपका कातिल अब ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता। शेखर भैया के कातिल को पकड़वाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अब बहुत इंतजार कर लिया हम लोगों ने। आज इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत राहत मिली है। कानून तो उसे सिर्फ सजा देगा, लेकिन मैं उस राक्षस को उस सजा से बढ़कर सजा दूंगा। जिस हैवान की वजह से मेरे शेखर भैया आज हम सबके बीच नहीं है, जिस हैवान की वजह से इस घर की खुशियां उजड़ गईं, उसे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। आप बताइए मुझे, आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम है ना तो मुझे बताइए। मैं उस खूनी को खत्म कर दूंगा। अक्षर, गुस्से में आकर ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम मुसीबत में पड़ जाओ। और वैसे भी इस केस के बारे में मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना कि तुम सब। पुलिस ने मुझे भी सारे डिटेल्स नहीं बताए, लेकिन एक बात तो साफ है, वो इंसान जब भी पकड़ा जाएगा, कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देकर ही रहेगा। मैं दिलवाऊंगी। मुजरिम अपना खेल लाख छुपा ले, एक ना एक दिन उसे पकड़ा जाना ही होता है। देखिए, हमने अभी तक अपरा जी से भी इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। आप समझिए इस बात को कि ये इस केस की बहुत क्रूशियल स्टेज है। हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते हैं। इस केस की जरा भी इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो वो इस केस के लिए घातक हो सकता है। मैं समझता हूं इंस्पेक्टर साहब, अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए। शेखर भैया मेरे बड़े भाई थे, और मैं भी यही चाहता हूं कि वो कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे सजा हो। इनफैक्ट मैं कानून की मदद करना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप मुझे बताइए अगर आपको कोई सुराग मिला है तो। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस मामले को जानने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? और वैसे भी हमारे ऑफिशियल मामले में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मदद कर सकता हूं इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए बोल रहा हूं। मेरे पास भी सबूत है जो आपको ये केस सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि जैसे ये झुमका। इंस्पेक्टर साहब, ये झुमका मुझे शेखर भैया की मर्डर साइट पे मिला था। और मुझे ये बात आप अब बता रहे हैं? इतने दिनों के बाद? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और वो इसलिए क्योंकि मैं भी तब से इसी कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं उस कातिल को पकड़ सकूं, अपने बड़े भाई का बदला ले सकूं। अपने इन हाथों से मारना चाहता था मैं उसे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई तो बाकी घरवालों का क्या होगा, शेखर भैया के मासूम बच्चों का क्या होगा। इसीलिए फिर मैंने इरादा बदल दिया। तो आप इस सबूत की बिना पे ये कहना चाहते हैं कि शेखर साहब का कत्ल किसी औरत ने किया है? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हाँ, अगर इस सबूत को माना जाए तो ऐसा ही है शायद। ओके, इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें लगता है कि हमें आपकी ज़रूरत है तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूँगा। एनी टाइम इंस्पेक्टर। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। दूसरी इयररिंग कहाँ गई? कल यहीं तो रखी थी। मेरी गोल्ड की चेन। I'm sorry संध्या, मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नहीं फंसाया तो मैं फंस जाऊंगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे ड्रॉर से मेरी चीजें गायब कर रहा है? पर कौन हो सकता है मेरी चीजों का ऐसे गायब होना? ये मेरा वहम है या? मुझे जल्दी अक्षर को इस बारे में बताना होगा। और जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे इस फेथफुल पार्टनर ने तुम्हें ही इस खेल का मोहरा बनाकर ऐसी चाल चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सॉरी पार्टनर, बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। काश तुम मेरा ये दर्द समझ पाती। आओ, अरे मनु जरा पानी लेकर आओ। यहाँ रखो सामान। हाँ मैं तो थक गई। जा मनु। जीती रहो बेटा। हाँ देखो, मैं तुम्हारी शादी के लिए कितना सारा सामान खरीद कर लेकर आई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतने कम समय में इतनी सारी खरीदारी, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। लेकिन फिर भी जितना समझा, जो भी पसंद आया मैं उठा कर ले आई। तुम जरा देख लेना। वैसे तो मैं जल्दी घर पहुंचती, लेकिन रास्ते में शनि महाराज जी का मंदिर पड़ा, फिर मैंने सोचा कि इतनी दूर आई हूं तो भगवान जी के दर्शन करके ही जाऊं। बस मैंने भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि आपकी छत्र छाया हमारे परिवार पर हमेशा रखना। शादी के बाद तुम दोनों भी वहां दर्शन के लिए जरूर जाना, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। बच्चे अक्षर मनु कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बुआ जी, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। बच्चे अपने स्कूल के समर कैंप में गए हुए हैं, मैंने मनु को उनके साथ ही भेजा है, एक दो दिन में ही लौट आएंगे। ये सब तुम्हें बाद में देख लूंगी, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, तू मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना लेना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हेलो मैम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए। मैम, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अक्षर हमारे बिछाए हुए जाल में खुद ब खुद फंसता जा रहा है। वो मुझसे मिलने आया था, बिल्कुल बौखला गया है। ही स्कैर्ड, छटपटा रहा है जानने के लिए कि हम क्या जानते हैं। मैम आप देखिएगा, बहुत जल्द अक्षर कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा और शेखर साहब को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैम, मुझे अफसोस के साथ इस बात का ताज्जुब भी होता है कि शेखर साहब अक्षर के बारे में सब कुछ जानते बूझते भी चुप क्यों रहे। उन्हें मुझसे एक बार तो कहना चाहिए था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने देता, इनफैक्ट आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होने देता। मैं क्या कहूं, मैं तो खुद वो लेटर पढ़ने के बाद उनसे इसी बात के लिए आज तक झगड़ रही हूं, मगर यही तो शेखर का बड़ापन, उनकी अच्छाई थी। वो हर किसी को अपनी भूल सुधरने का मौका जरूर देता था, जो उन्होंने अक्षर को भी दिया था। मगर अक्षर ने ना तो उनकी बात की इज्जत की और ना ही उनकी जान की परवाह। जिस दौलत को पाने के लिए अक्षर ने अपने देवता समान भाई का खून किया है, अगर वो एक बार उनसे मांग लेता तो वो कभी इनकार नहीं करते। इंस्पेक्टर, अक्षर को हम फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएंगे, मैंने शेखर से वादा किया है। डोंट वरी मैम, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अक्षर जैसे मतलबी लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों की अच्छाई कभी समझ में ही नहीं आ सकती। आप देखिएगा, अक्षर पकड़ा भी जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा भी जरूर होगी। मैम, अगर मेरे सामने उसकी कोई और कमजोरी या कोई गलती आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए, चलता हूँ। जी, थैंक यू। अक्षर शेखर का कातिल।